नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। आज हम बात करेंगे कनाडा में खालिस्तानियों के बढ़ते वर्चस्व की। अभी हाल में कनाडाई सरकार ने खालिस्तानियों के एक रेफरेंडम को रोक दिया, जो वो 10 सितंबर को सरे टाउन में ब्रिटिश कोलंबिया में करने वाले थे। कारण यह बताया गया कि रेफरेंडम के पोस्टर में AK-47 राइफल की फोटो बनी। इसमें नया क्या बात है? खालिस्तानी मूवमेंट एक आतंकवादी मूवमेंट है जो हिंसा से ग्रसित है, जिसको सिख फॉर जस्टिस कनाडा में चला रहा है। सिख फॉर जस्टिस एक प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन है। हैरानी की बात यह है कि कनाडाई सरकार को सिख फॉर जस्टिस के ये मंसूबे समझ में नहीं आते। इससे पहले भी सिख फॉर जस्टिस ने कनाडा के विभिन्न प्रांतों में रेफरेंडम चलाया हुआ है। कनाडाई नागरिकों द्वारा खालिस्तान के लिए रेफरेंडम लेना कहां तक तर्कसंगत है? अगर उनका रेफरेंडम कामयाब हो जाता है तो क्या कनाडाई सरकार उन्हें कनाडा का एक राज्य, पृथक राष्ट्र बनाने के लिए दे देगी? नहीं होगा ना। तो फिर कनाडाई सरकार उनके सामने घुटने टेकते क्यों नजर आती? 2016 में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने शेखी बखारते हुए कहा था कि उनकी कैबिनेट में मोदी सरकार से ज्यादा सिख मंत्री हैं। अच्छी बात है, लेकिन वो अपने सिख मंत्रियों के भारत विरोधी बैकग्राउंड को बताना भूल गए। खैर, बात यह है कि कनाडा की धरती से भारत विरोधी कुचक बहुत सालों से चल रहा है, जिसकी वजह से कनाडा में जो भारतीय मूल के लोग रहते हैं और जो खालिस्तानी विरोधी हैं, उनको चुप कराने की कोशिश की जा रही है। सिख फॉर जस्टिस गुरुद्वारों में, गुरुद्वारों के एफिलिएटेड स्कूल्स में, कम्युनिटी सेंटर्स में और हर जगह जा जा करके भारत विरोधी प्रचार करता है और लोगों की ओपिनियन को मोल्ड करने की कोशिश करता है। अभी जस्टिन ट्रूडो साहब G20 के सम्मेलन में भारत आ रहे हैं। क्या कनाडा की सरकार ने रेफरेंडम को रद्द करने का निर्णय इसलिए लिया है ताकि यहां पर आकर उन्हें कोई एम्बरेसमेंट न हो सकता है? लेकिन रेड ओवर ग्रीन दो बातें बताना चाहेगा। 1995 में क्यूबेक, जो एक फ्रेंच स्पीकिंग स्टेट है, जन्मत संग्रह होता है और वो जन्मत संग्रह क्यूबेक को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए होता है। मात्र 1% से वो जन्मत संग्रह गिर जाता है। 28 साल हो गए हैं, क्या कनाडा की सरकार फिर से जनमत संग्रह कराएगी और उन्हें एक पृथक राष्ट्र बनाएगी? अगर आपको क्यूबेक की राष्ट्रीयता, क्यूबेक की स्वतंत्रता नहीं मंजूर है, तो फिर आप अपनी जमीन से भारत विरोधी गतिविधियां क्यों चलने देते? रेड ओवर ग्रीन जस्टिन ट्रूडो साहब से अपील करता है कि खालिस्तानी मूवमेंट एक रेडिकल मूवमेंट है, एक आतंकवादी मूवमेंट है, इसको अपनी जमीन पर प्रश्रय ना दें। धन्यवाद। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। जय हिंद।